नमस्कार किसान भाइयों, MF फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बेहद ही खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपके खेत में बार बार फंगस जनित रोग आते हैं, जैसे तने पे सड़न हो जाती है, पत्ते झुलस जाते हैं, ऐसी कोई बीमारी आती है, तो उसका मैं आपको एक बहुत ही अच्छा और देसी कारगर उपाय बताने वाला हूँ। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये कोई पत्थर नहीं है, ये फिटकरी का एक डला है जो कि 10 से 12 किलोग्राम का है। तो इसको हम अपने खेत में डालने जा रहे हैं। 2 किलोग्राम प्रति एकड़, 2 से आप 3 किलोग्राम प्रति एकड़ इसको अपने खेत में यूज कर सकते हैं। और यूज कैसे करना है दोस्तों, जैसे एक कपड़ा होता है उसमें 2 किलोग्राम भर दीजिए, और जहाँ पे हमारा पानी चालू होता है, या तो आप उसको होदी में डाल दें, या पानी के आगे जैसे खेत में पानी लगता है तो नाके पर इसको रख दें 2 किलो, इसे कपड़े में बांध के। और कपड़ा सिंगल होना चाहिए, डबल ना करें कपड़े को। और जब तक पानी भरेगा तब तक 2 किलोग्राम ये ख़त्म हो जाएगी और आपके पूरे खेत में ये फिटकरी फैल जाएगी। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा किसान भाइयों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये धान 20 दिन की हो चुकी है। इसका फ़ायदा हमें क्या मिलता है, इसमें जैसे तने में फंगस लग जाती है ज़्यादा पानी भरा होने के कारण खेत में, तो वो फंगस नहीं लगेगी। इसके अलावा ये पर्यावरण के लिए हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। इससे हमारे खेत में मित्र कीटों की संख्या भी बढ़ेगी। मैं आपको दिखाऊंगा कि औरों के खेत में आपको केंचुए नहीं मिलेंगे जो रासायनिक खेती करते हैं, लेकिन मेरे खेत में केंचुए मैं आपको दिखाऊंगा कि भरपूर मात्रा में पूरे खेत में केंचुए ही केंचुए मिलेंगे। और केंचुओं को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, ये केवल ऐसे कीटों को भगाता है जो हमारी फसल के लिए हानिकारक होती है और फंगस को हमारे खेत में नहीं आने देता। इससे हमारे खेत में जो हानिकारक कीट होते हैं वो भी दूर रहेंगे। तो किसान भाइयों, इसको खेत में कैसे देना, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, अगर आपके पास छोटी सी होदी हो 2x2 फुट की, तो आप उसमें इसको सीधा रख सकते हैं और उससे सीधा खेत में पानी दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई लंबी नली के थ्रू देना हो, तो आप जो जहाँ से खेत में पानी प्रवेश करता है वहाँ पर इसको रख दें आगे नाके पर, या तो आप डंडे पे लटका दें इसको, कपड़े को बांध दें डंडे के सारे, और ये नीचे जो नीचे वाला भाग होता है उसको पानी में डुबा दें, और दो तीन घंटे में ये ऑटोमेटिक सारी पिघल जाएगी। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि केंचुओं का हमें खेत में कैसे पता चलेगा, जैसा कि आप ये देख रहे हैं छोटे छोटे से दाने, इससे हमें पता चलेगा कि हमारे खेत में केंचुओं का प्रवेश हो चुका है। ये देखिए, खेत में केंचुए आने लगे हैं। इससे आप अपने खेत में पता कर सकते हैं कि आपके खेत में केंचुए हो रहे हैं या नहीं। और सबसे मेन चीज़ जो मैं बताता हूँ कि जितना भी वेस्ट हो अपने खेत में मिलाएं, उससे केंचुए बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके खेत में आएंगे। वेस्ट को जलाएं नहीं। आपका 200, 300, 400 रुपये का तेल जो डीजल है वो फालतू जलेगा ज़रूर, लेकिन आपको हज़ारों रुपये का फ़ायदा उससे बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में खाद प्राप्त होती है, और उससे जो खाद बनाने वाले मित्र कीट होते हैं उनकी भी जनसंख्या, वो इससे ज़मीन में वेस्ट मिलाने से उसकी जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये फिटकरी है। जैसे 2 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको 2 से 3 किलोग्राम आप अपने खेत में दे सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं और समय समय पर किसान भाइयों को प्रयोग करके अपने एक्सपीरियंस बताते रहना चाहिए। ठीक है किसान भाइयों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।